देवली उनियारा विधानसभा इलेक्शन के दिन जिस तरह से एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में अब मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जो विपक्ष हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वह लगातार सरकार पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। जिस तरह से देवली उनियारा विधानसभा है, वहाँ के जो समरावता क्षेत्र है, वहाँ पर जो नरेश मीणा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उसने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और उसका विवाद इस तरह से तूल ले लिया कि जो वहाँ पर आगजनी जैसी घटना हुई, पुलिस को लाठी बरसानी पड़ी, जो आग के गोले हैं वह छोड़ने पड़े, पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली और कई लोग भी उसमें घायल हुए हैं। जिस तरह से मेवाड़ वागड़ में उभरी भारत आदिवासी पार्टी, जिसने भी नरेश मीणा को निर्दलीय रूप से समर्थन दिया था, लेकिन अब राजकुमार रोत ने भी अपनी जो चुप्पी थी उसको तोड़ते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जो नरेश मीणा है, उन्होंने जो एसडीएम को थप्पड़ मारा है वह कतई सही नहीं है। लेकिन सरकार का जो रवैया रहा है वह तानाशाही रवैया रहा है, यानी सरकार पर भी तंज कसा और नरेश मीणा को लेकर भी कह दिया है कि उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से एसडीएम को थप्पड़ मारा है वह सही नहीं था और कतई बर्दाश्त इस तरह से नहीं किया जाएगा। राजकुमार रोत ने अपने एक्स पोस्ट करते हुए इस तरह से एक लिखा है और लिखा है कि जिस तरह से वहाँ पर सरकार द्वारा जो तानाशाही रवैया किया गया है, जो लट बरसाए गए हैं, जो वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग बैठे हुए थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर जिस तरह से जो घटनाएं देखने को मिली है, तो वह एक कहीं के तानाशाही रवैया है। आपको बता दें कि नरेश मीणा, जिसने कहा था कि राजकुमार रोत ने जिस तरह से जो यहाँ के नेता है महेंद्रजीत मालविया हो या फिर रघुवीर मीणा, उनकी जिस तरह से स्थिति कर दी, वह वहाँ के नेताओं की भी ऐसी स्थिति कर देंगे। और उसके बाद जो भारत आदिवासी पार्टी हैं, उसने नरेश मीणा है उनको समर्थन दे दिया कि नरेश मीणा को भारत आदिवासी पार्टी उस क्षेत्र से समर्थन देती है, क्योंकि देवली उनियारा में कहीं कहीं उनका भी इस तरह का वर्चस्व है। ऐसे में समर्थन के बाद अब जो घटना देखने को मिली है, तो लोग कई तरह निंदा भी कर रहे हैं, शर्मसार घटना बता रहे हैं, और तो दूसरी तरफ जिस तरह से जो अब नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं, नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि इस घटना को शर्मसार कर दिया है, इस तरह से करना नहीं चाहिए था, लेकिन सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। राजकुमार रोत ने भी नरेश मीणा पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि यह सही नहीं किया गया, और तो दूसरी तरफ सरकार पर भी सवाल उठाया है कि सरकार ने वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जिस तरह से स्थितियाँ की गई है, तो कहीं की तानाशाहियों को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, दूसरे ऐसे नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं, तो जो भाजपा के नेता हैं वह भी इस तरह के इस पर बयान दे रहे हैं कि यहाँ तक कि जो किरोड़ी लाल मीणा है, उन्होंने भी कहा था कि उनके जो लोग थे उनके साथ भी इस तरह की घटना देखने को मिली है। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।